में बात करनी है और डेली उन पेपर को सोल्व कराना है। मेरे बच्चों, अभी करंट की अगर बात करें पिछले 30 से 50 दिन के बीच में, तो हमारा एक बहुत बड़ा एग्जाम था CHSL का। और इसमें 35 सेट हुए थे। इन 35 सेट की बात करेंगे हम, और आज से ही हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे GS हो। तो इन सारे अलग अलग सब्जेक्टों की अलग अलग टीचर पूरा एक्सप्लेन करेगा। मैं मैथ को आज से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ और एक सेट आज हम उठाएंगे। और आज हम बेसिकली ये सीखेंगे कि सवाल तो आपको आते हैं, लेकिन पेपर में उन सवालों को कैसे अटैम्प्ट आपको करना चाहिए, और किन किन तरीकों से आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते थे, या क्या क्या मेथड हो सकते थे जो एज ए स्टूडेंट आपको अपने आने चाहिए थे, और कैसे इन 25 सवालों को हम मात्र 8 से 9 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर सोल्व कर सकते थे इन 25 क्वेश्चन को बिना बहुत ज़्यादा मेहनत करे। बेहद ही आसान सवाल है, और जो हम कहते रहते हैं कैलकुलेटिव है कैलकुलेटिव है, उस मशक्क़त को भी आप समझेंगे कि कितना कैलकुलेटिव है और कितना कैलकुलेशन बचाई जा सकती है ऑप्शन के थ्रू। तो आज हम वो सारे तिकड़मबाजी लगाएंगे। और देखिए, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की चीज़ है कि मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस को करा दूं एक बार, और ना केवल CHSL, हम इसके बाद CGL का जो मेन सभी चल रहा है, इसके जितने भी सेट हुए होंगे सारे सेट्स भी मैं रेगुलर कराऊंगा, डेली एक सेट लिया करेंगे केवल। इसके बाद हमारा CDS भी हुआ है, अभी CDS का मैथ का पेपर, ये भी मैं सोल्व कराऊंगा आपको। और इनके बाकी सब्जेक्ट जो होंगे, इंग्लिश हुआ, रीजनिंग, GS, इनमें इंग्लिश और मैथ है, इसमें भी इंग्लिश मैथ GS है, तो इनके सारे पेपर अब हम डेली YouTube पे आपका एक्सप्लेन क्या करेंगे। और कैरेवल ऐप पर आपको इनकी PDF भी मिल जाएंगी। अगर कल जो पेपर हमने सोल्व करना है उसकी PDF आपको अच्छी, तो वो भी अवेलेबल वहाँ पर हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं?